पीसफुली हम वॉक कर रहे थे, आप प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहे। इसका चेहरा दिखाओ इसका चेहरा, मेरे फोन में इसका चेहरा दर्द होना चाहिए। ये अमित शाह ने इनको गुंडे का ऑर्डर दिया है कि मारना है महिलाओं को, अत्याचार नहीं, पूरा फेस दिखाओ आना चाहिए, हमारी फेस भी कर रही है ना, ये दिखाना, इसका चेहरा दिखाओ, पूरी दुनिया देखे इसको, डायरेक्ट ऑर्डर दिया। तो मैं यही बोल रही हूँ ना, इस तरीके के गुंडे मारे अमित शाह ने। इनको ये बोला होगा कि आपको जान से मारो, क्योंकि ये आपको इतना ही चोट पहुंचाने चाहती है, अमित शाह जी को दिखा सर ये और पहुंचाने थी, जस्ट दैट कि उस समय टाइम पे आप आगे हम अंदर आगे ये और पहुंचाने थी, इसका मतलब पूरा आज इसको ऑर्डर का मेरा सिर्फ पढ़ने का, जिस तरीके से इसने मेरे पैर खींचे हैं। तो मैं वही बता रहा आपको, वो अपना गुस्सा है सर, इन पे केस कर दो, ये अमित शाह का गला घोटेंगे ना जाकर, नहीं वो उनको बच्चे इनके इनकी नौकरी छीन लेंगे, इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, पीटे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, इनके बच्चे भूखे मरेंगे, इनकी भी मजबूरी होगा आप, लेकिन लड़ाई आप ही लड़ रहे हो, इनको कुछ नहीं बताइए। तो जो हम लोग कर रहे हैं वो इन्हीं लोगों के लिए है, इन्हीं के बच्चों के लिए, सबके लिए। तो इनसे हमारी लड़ाई नहीं, हमारी अमित शाह जी से लड़ाई है, मोदी जी से लड़ाई है। आज मोदी जी कितना बड़ा एक्सपोज हो गए कि वो नाटक करते हैं, अहमदाबाद के अमित जी के घर में जाकर मैं खाना खाता हूँ, मेरे भाई हैं, मैं सीए दे रहा हूँ, ये किसी को नागरिकता देके ये करेंगे, ये करेंगे, सीए देके ये करेंगे, जो नागरिक है उनके साथ ये कर रहे हैं, इसके लिए सीए में ना किसी को बाहर से बुला के देंगे, यही हो रहा होगा ना बाहर के देशों में भी, शरणदास समिति के साथ हो क्या हो रहा होगा, बेगुनाह कभी आपको डिटेन करना, रिस्पेक्टफुली करो, कैसे बेगुनाह पे आप लाठी आप अत्याचार चाकू मार सकते हैं इस तरीके के रखे थे, यही नागरिकता दे रहे हैं आपको, जो आप नागरिकों तो नागरिकों के साथ है, कौन आएगा कोई प्रताड़ित होकर यहाँ नहीं जाएगा, अब कोई प्रताड़ित होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में, तो मेरे ख्याल से वो भारत आने की वो नहीं करेगा, जब भारत में शुभकास कमेटी के साथ ये हाल करते हैं जो नागरिक है, ये मोदी जी का अब असली चेहरा निकल के आ रहा है ना सामने, ये सीए का अपनी चर्चा, अब कहीं और जाना पड़ेगा, भारत नहीं आना पड़ेगा, अगर कोई शुभकास कमेटी का व्यक्ति प्रताड़ित भी है भारत नहीं आएगा, वो शांतिपूर्वक ये पकौड़े अपने बेचने जा रही थी, कोई ये प्रोटेस्ट कर रही थी, आजकल मार्च हो रहा था, कुछ भी करनी पड़ रहा, ये अपने पकौड़े बेचने जा रही थी, यहाँ पे पूरी नई दिल्ली में सैकड़ों लोगों को इजाजत है पकौड़े बेचने की, आइसक्रीम बेचने की, अपने दूसरे ठेले लगाने की, सिर्फ इन्हीं को क्यों आइडेंटिफाई किया गया, ये बुनियादी बात।